वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार, 6 महीने के बाद मैं दोबारा ये कैमरा उठा के, कैमरा नहीं अपना फ़ोन उठा के दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था वीडियो बनाना। और 6 महीने पहले आपको पता है कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई हुई थी, और मैंने ये कहा था कि मुझे ये सोचना है 6 महीने में कि मुझे एमफिल स्टार्ट करना है या नहीं करना। और दूसरा ये था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन कराऊंगा। मोनेटाइजेशन तो गई तेल लेने भाई, मोनेटाइजेशन की जगह एडिसन वालों ने कहा कि तुम ही जाओ, तुम्हारा एडिसन का अकाउंट हम बंद कर रहे हैं। तो यार ये 6 महीने दूर रहने की वजह क्या थी कि मैं जा रहा था हर जगह इंटरव्यू देने के, देखो 24 साल का मैं हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कमाता। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मैं कुछ नहीं कमाता, मैं कुछ नहीं करता। वो आपने गाना तो सुना होगा, अगर तुम कमाते नहीं हो तो मर्द हो तुम काहे के। तो अपने पे वही चीज़ सवार थी कि पैसा कमाना है। तो पैसा आता है नौकरी से, मतलब जो हमें 16 साल सिखाया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी कर लो, बस यही ज़िंदगी है। और बाद में आने वाले 40-45 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ नौकरी करो, नौकरी इनडायरेक्ट नौकर। यार मुझे यही लगता है, अगर बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, आपका घर चल रहा है, पर मुझे यही लगता है कि नौकरी मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता। मुझे चाहिए मेरे ख्वाब, मुझे दिखते हैं यार मेरी लाइफ में मेरे एम्स हैं, मतलब एम्स नहीं मेरे ख्वाब हैं, वो जो आपको दिन में भी सताते हैं वो वाले ख्वाब, ठीक है। तो वो नौकरी करके पूरे नहीं हो सकते, वो नौकरी करके पूरे क्या, आप उनके पास भी नहीं जा सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपके ख्वाब हैं। आप जॉब जॉब करते हो और आप ये काम कर लोगे, पर नहीं कर सकते। इसलिए भाई अपनी जॉब बस की बात ही नहीं है। पर फिर भी भाई ने इंटरव्यू दिए, भाई हर जगह से रिजेक्ट होता था, डिप्रेशन और टेंशन ये हर चीज़ अपने दिमाग पर चढ़ी हुई थी। अपना काम सिर्फ ये था कि भाई ये 6 महीने मैं सिर्फ चारपाई पर लेटा हूँ, सांस सही से नींद आ रही है, बस करवटें बदल रहा हूँ, घर बता नहीं सकता कि मुझे टेंशन होती है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे टेंशन होती है। घर से पैसे मांगने को दिल नहीं करता, फिर भी मजबूरन मांगने पड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है आपके पास कि आप चाह रहे हो कि आप ना मांगो, फिर भी आप मांगते हो, बेशरम होके। अच्छा अब मैं बाहर चलते हैं, बताता हूँ मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या सोचा और मैंने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की। तो देखो भाई अभी सवाल ये है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ उसी जगह जहाँ पे ये सारा कुछ शुरू हुआ था, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी वाली रोड जहाँ 4 साल हम लोग बैठे रहे हैं और बस एक डिग्री ली है, और डिग्री में मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई ये चीज़ें हैं और इसके बाद मुझे क्या करनी है, एक जॉब। क्या एक जॉब, मतलब मैंने जो 16 साल की ग्रेजुएशन, प्ले ग्रुप नर्सरी हम निकाल देते हैं अंदर से, जो मैंने 16 साल पढ़ा उसका एंड गया एक जॉब। अभी शोर ज़्यादा होगा, हम बैठ के बात करते हैं। देखो जानी आफ्टर ग्रेजुएशन हर बंदे का एक ही होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप 16 साल पढ़ चुके हो, आप ग्रेजुएट हो, आगे नौकरी क्या करनी है, मतलब आगे काम क्या करना है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप जब भी जहाँ कहीं खानदान में जाके बैठते हो, एक ही सवाल होता है कि भाई करते क्या हो, और आपके पास क्या जवाब होता है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी कितनी है मेरी, 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती, आप जो मर्जी कर लो इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। अगर आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है तो वेल एंड गुड है, 48,000, और गवर्नमेंट की जॉब उन बंदों को मिलती है इजीली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुराद 90% वाले, 95% वाले, मतलब मेरे जैसे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। भाई मैं हूँ बैक बेंचर और इस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई मैं एक बैक बेंचर हूँ। भाई मैंने अपनी लाइफ एंजॉय की है, मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है, मैंने उल्टे पंगे लिए हैं और मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 70% नंबर लिए हैं और मैं खुश हूँ इन 70% नंबर से। पर मसला यहाँ पे है गवर्नमेंट जॉब हम जैसों को नहीं मिलती, हम जैसों के अगर नंबर कम है तो हमें क्या चाहिए, सिफारिश चाहिए और पैसा चाहिए, जो दोनों चीज़ें मेरे पास तो नहीं है, ठीक है ना, पैसा है ना सिफारिश है, पैसा कमाने की तो सारा रोन है, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब तक कट गई अंदर से। पीछे बची प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब में मुझे क्या मिलेगा, 35,000 में मेरा अकेले का गुजारा होता है यार, मैं एक सेपरेट घर में रहता हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी अपना गुजारा 35,000 में होता है। तो रही बात घर वालों को सपोर्ट करने वाली, रुझान है भाई, तो रही बात घर वालों को सपोर्ट करने वाली, तो वो तो नहीं होगी यार, घर वाले आपसे नहीं मांगेंगे पर आपका दिल करता ही करता है। तो इन सारी टेंशनों को सोचते सोचते मैंने 6 महीने गुजार दिए। और अगर आप भी मिडिल क्लास हैं और आप भी ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, अच्छा यार मुझे कोई नौकरी मिल जाए, अच्छा मैं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि बिजनेस सेटअप के लिए आपको चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आता है टाइम के साथ, थके खा के यार, कुछ चम्मच में रखी हुई चीज़ तो है नहीं कि हमने जाना है उठाना है और ले लेनी है, नहीं है। और टाइम हमें नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता जानी, टाइम बनाना पड़ता है, और टाइम के लिए आपको ढीठ होना पड़ता है, आपको बिस्ती सुननी पड़ती है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को साइड पे फेंकना पड़ता है कि ये पड़ी है मेरी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ तो वैसे ही आपकी ख़त्म हो जाती है ना ग्रेजुएशन के बाद, कि जानी कि कुछ था तो आप सेटल नहीं हो तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ भी ऐसी होती है कि आप रोज़ धक्के खाते हो, तो हम हैं अभी उस धक्के खाने वाली स्टेज पर,
पर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता यार, नौकरी मिली, नौकरी पे गए, पर वो 5-9 से जो 5 का ड्यूरेशन था ना, उसके बाद आके टाइम ही नहीं बचता कुछ करने का। आप जितना मर्जी कह लोगे मैं नहीं थकता, मेरे में एनर्जी बहुत है, मैं भाग लूँगा, 1 हफ्ता भाग लोगे 2 हफ्ते भाग लोगे, पर एट द एंड आप थक जाओगे, आपके पास रेस्ट करने का टाइम ही नहीं होगा, आपके पास जो आप अपनी चीज़ें चाहते हो ना वो आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, वो सुकून नहीं लेने देंगी कि बेटा तू ये चाहता था, तू पिछले 6 साल से सिर्फ इस चीज़ के पीछे भाग रहा है और अब तू 6 साल बाद क्या कर रहा है, उस चीज़ को टोटली क्विट कर दिया, छोड़ ही दिया, तेरी लाइफ से वो 6 साल बाद वो चीज़ निकल गई है जिसका 6 साल से तू इंतज़ार कर रहा था कि अच्छा मैं ये करते ही करते साथ ही मैंने ये शुरू कर देना, मैंने सिर्फ अपने ख्वाब जीने हैं। और डिग्री के बाद पूरी दुनिया ही बदल जाती है कि नहीं, जिस दुनिया में तुम थे और जो ख्वाब तुम देख रहे थे वो सिर्फ एक झूठी दुनिया थी जिसमें तुम रह रहे हो, ये है रियल वर्ल्ड जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप रिजेक्ट हो रहे हो, ये है असली दुनिया। और यहाँ पे आपका रेट क्या लग रहा है भाई, 35,000, 25,000, 20,000, आप फ्री में काम करें, आप ऐसे करें, आपने इंटर्नशिप नहीं की हुई, मतलब हर कोई बंदा आपको कुछ नहीं देगा, जो करना है आपको खुद करना है, इस दुनिया से आपको छीनना है। यार आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो पर नौकरी नहीं करनी, और यही मेरा मसला था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, यही 6 महीने मैंने सोचा है, मैं मोमेंट में जीने वाला बंदा था यार, मैं हर चीज़ को एंजॉय करता था कि अच्छा अभी ये हो रहा है चल मारो, कल की टेंशन कल देखेंगे, कल का कल सोचेंगे, पर 6 महीनों में मैंने इतनी कोई ओवर थिंकिंग की है ना कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अजीब से कॉम्प्लेक्शन में चला गया हुआ था कि यार कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरी डिग्री कुछ नहीं है, पर नहीं, अपनी वर्थ है और अपनी वर्थ हम खुद बनाएंगे और इंशाल्लाह इसी साल बनाएंगे। ये 2022 आ रहा है और 2023 तक भाई सब कुछ होगा अपने पास, एक साल क्या करूँगा कैसे करूँगा सब कुछ बताऊँगा यार, ये सब कुछ चलेगा, क्योंकि अभी मैं भी वहीं हूँ जहाँ एक मिडिल क्लास लोंडा होता है, जेबें खाली, बेरोज़गारी और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इस खाली जेबों के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं कल किसी रेगुलर, कल ही 1-2 दिन बाद किसी नॉर्मल वीडियो के साथ, मैं कहीं चलूँगा, ब्लॉग करेंगे, हैप्पी एंडिंग वाला। हेलो, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, मैं हर वीडियो के एंड पे बोलता हूँ, तो भाई यही चीज़ याद रखनी है, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, और इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अगर इन पे कॉम्प्रोमाइज़ है तो भाई सारी ज़िंदगी आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अनहैप्पी लाइफ, और हमें वो नहीं जीनी, हमें हाल में खुश रहने वाले बंदों में से हम लोग, और नौकरी हमारा हाल नहीं है। चलो बाय बाय।